भारत की सभ्यता और संस्कृति हजारों साल पुरानी है। इसके गवाह यहाँ बने मंदिर हैं, जो कि आपको भारत में कदम कदम पर दिख जाएंगे। भारत जैसे महान देश में सबसे ज्यादा धार्मिक लोग रहते हैं। धर्म के प्रति उनकी आस्था ही सबसे बढ़कर होती है। हर कोई व्यक्ति मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जाता है। वैसे आप लोगों ने भारत में कई प्रकार के मंदिर तो देखे होंगे, जिनमें कई अपने चमत्कार को लेकर तो कई मंदिर की बनावट के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ के मंदिर अजीबो गरीब मूर्तियों को लेकर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इन भव्य मंदिरों का निर्माण भारत के महान वीरों ने करवाया था। इन मंदिरों की वास्तुकला को देखकर न सिर्फ देशवासी बल्कि विदेशी पर्यटक भी हैरत में पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब रहस्यमय मंदिरों के बारे में, जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर एक, पद्मनाभ मंदिर, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में त्रावणकुल साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही इस मंदिर के तहखाने में लाखों करोड़ों रुपए का खजाना रखा था। इस मंदिर के गर्भगृह के 6 दरवाजों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार खोला गया है और इनमें लाखों करोड़ों का खजाना बरामद हुआ है। लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह का 7वां दरवाजा अभी तक नहीं खोला जा सका है। इस 7वें दरवाजे पर सांप की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर के दरवाजों को खोलना काफी अशुभ भी माना जाता है, इसलिए इस मंदिर के 7वें दरवाजे का रहस्य आज भी बरकरार है। ये मंदिर केरल के प्रमुख पर्यटकों में से एक है। आज भी लोग यहाँ आते हैं, भगवान पद्मनाभ के दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। नंबर दो, लिवाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद है लिवाक्षी मंदिर। ये मंदिर भगवान के स्वरूप भगवान वीरभद्र का है। आप जानते हैं कि पौराणिक काल में राजा दक्ष के यज्ञ में जब भगवान शिव यानी अपने पति का अपमान न सह सकने के कारण माता सती ने अग्नि स्थान किया था, तब भगवान शिव के क्रोध ने वीरभद्र उत्पन्न किया था। उन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया था। उन्हीं भगवान वीरभद्र का मंदिर लिवाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त ने करवाया था, लेकिन उल्लेख यह भी मिलता है कि 16वीं शताब्दी में वीरुपन्ना और वीरुपन नाम के दो भाइयों ने इस मंदिर को बनवाया था। कुर्बा झेलम की पहाड़ियों पर मौजूद लिवाक्षी मंदिर को कछुए की आकृति में बनाया है। इस मंदिर में कुल 70 स्तंभ मौजूद हैं। यह मंदिर पूरी तरीके से स्तंभों पर ही खड़ा है। एक विदेशी इंजीनियर ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर मंदिर स्तंभों पर कैसे टिका है। इसके लिए उसने मंदिर के एक स्तंभ को हिला दिया, जिसके चलते मंदिर का एक स्तंभ जमीन से आधा इंच ऊपर उठ गया। हालांकि इससे मंदिर के रियल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये एक आश्चर्य का विषय बन गया है कि आखिर ये स्तंभ हवा में कैसे लटक रहा है। लोग यहाँ आते हैं और इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालकर अपनी मुरादें मांगते हैं। लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना है और आज भी यहाँ ये चमत्कार बरकरार है। इसके अलावा इस मंदिर में माता भद्रकाली की पूजा की जाती है, उनकी प्रतिमा यहाँ स्थित है। इस मंदिर को आकाश स्तंभ या हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर तीन, जगन्नाथ पुरी मंदिर, उड़ीसा। धार्मिक नगरी पुरी में जगन्नाथ मंदिर भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू पंचांग के अनुसार यहाँ हर साल आषाढ़ महीने में विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस रथ की रस्सियाँ खींचने और छूने मात्र के लिए ही पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। यह भगवान जगन्नाथ के भक्तों की मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ये तो है जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताएं। इन्हें चाहे आप माने या ना माने, ये आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन इस कृष्ण मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वास्तव में यह मंदिर आस्था के साथ साथ अपने रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित यह लाल रंग का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, आज तक इस रहस्य का पता कोई नहीं लगा पाया है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन इस मंदिर के ऊपर मौजूद ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब लोग देखते रह जाते हैं। इस ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। इसी तरह एक और रहस्य ये भी है कि आज तक किसी ने भी इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे आज तक किसी ने जमीन पर नहीं देखा है। नंबर 4, गुरु बरियप्पन मंदिर। केरल के गुरुवयूर में स्थित यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है और इसे दक्षिण की द्वारिका भी कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को उनके बाल रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ चुंबकीय शक्ति है जिसके कारण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुकून मिलता है। यहाँ हर दिन 50,000 लोग आते हैं और यहाँ की कुल संपत्ति 2500 करोड़ रुपए है। नंबर 5, ककन मठ मंदिर का रहस्य। देवों के देव महादेव का एक नाम भूतनाथ भी है। भोलेनाथ ना सिर्फ देवी देवताओं और इंसानों के भगवान हैं, बल्कि उनको भूत प्रेत और दानव भी भगवान मानकर पूजते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव के विवाह में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बाराती बनकर गए थे। भारत में एक अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है, जो कि कनक मठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि इसका निर्माण भूतों ने किया था। ककन मठ मंदिर के बारे में बताया जाता है कि बड़े बड़े पत्थरों से बने इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतार में रखे हैं। इस मंदिर को एक बार देखकर तो मन में यह सवाल उठता है कि कहीं ये मंदिर गिर न जाए, लेकिन ये मंदिर सैकड़ों सालों से अपने स्थान पर एक जैसा ही खड़ा है। इस मंदिर के शिखर पर काई लगी है, बाकी पूरा मंदिर सलामत है। यहाँ के गांव वालों का मानना है कि मंदिर के शिखर पर काई इसलिए लगी है कि इस मंदिर के शिखर को भूतों ने नहीं बनाया है। दरअसल जब भूत इस मंदिर को बना रहे थे तो शिखर बनाने से पहले सूर्य उदय हो गया था और भूतों को यहाँ से जाना पड़ा। बाद में इंसानों ने इस मंदिर के शिखर का काम पूरा किया, इसलिए मंदिर के शिखर पर आज काई लग गई है। इस मंदिर का निर्माण कच्छ वंश के राजा कीर्ति सह के शासन काल में हुआ था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के भक्तों और भूतों ने किया था। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपको इन मंदिरों में से कौन सा मंदिर ज्यादा रहस्यमय लगा, कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।